पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक, पहुंचाएंगे हर खास खबर आपके मोबाइल तक। देखिए मेरे साथ fastbite.tv। अपनी ही सरकार की किरकिरी कराने में लगे उन भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने बीते दिवस मेरठ के मेडिकल थाने के बाहर यह बैनर लगा दिया था कि भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। प्रभारी संत शरण सिंह। यह बैनर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूपी की राजनीति में उबाल आ गया था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज कसा था कि ऐसा पहली बार हुआ है इन 5-6 सालों में सत्ता पक्ष के लोगों का आना मना हुआ है थानों में। इसके जवाब में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतरना पड़ा था। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं fastbite.tv। दरअसल शुक्रवार को एक महिला को दुकान पर काबिज कराने के लिए भाजपा नेता शंभू पहलवान, उप प्रशांत कौशिक, सागर पोषवाल, कुलदीप मसूरी, अंकुर चौधरी, अमित भड़ाना, अमर शर्मा ने मेडिकल थाने पर हंगामा किया था। पुलिस पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए थानेदार को यह कहते हुए धमकाने की कोशिश भी की गई थी कि अभी ऊर्जा मंत्री सुमेंद्र तोमर भी आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी ही सरकार की छवि खराब करते हुए इन लोगों ने थाने की चार दीवारी पर यह आपत्तिजनक बैनर लगा दिया था। यह बैनर तुरंत ही वायरल भी हो गया था। प्रदेश सरकार वे प्रदेश पुलिस की छवि पर डेंट लगने पर पुलिस हरकत में आई और उसने इन पांचों भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। शंभू पहलवान व सागर पोषवाल का नाम विधानसभा चुनाव वाले दिन शास्त्री नगर में सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी की पिटाई के मामले में भी सामने आया था। इन लोगों ने उस वक्त सुमेंद्र तोमर के समर्थन में नारेबाजी भी की थी। आज मेरठ के पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी ने यह जानकारी मीडिया से शेयर की। मेडिकल थाना क्षेत्र में एक पोस्टर वायरल हुआ था जिसमें एक राजनीतिक पार्टी के लोगों का थाने में प्रवेश वर्जित है, ऐसा उसमें अंतर्निहित था। काफ़ी वायरल हुआ था और जो इसमें असामाजिक तत्व थे जिनके द्वारा ऐसी चीज की गई थी उनके द्वारा थाने में हंगामा भी किया गया था। इसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें से वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान की गई जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। आगे और इसमें विवेचना प्रचलित है, जो अन्य लोग भी हैं उनको भी सीधे गिरफ्तारी की गई। इस खबर में फिलहाल इतना है। आप देखते रहिए fastbite.tv। नमस्कार।